नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आत्मनिर्भर ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट 9। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। एस्प्रिन इज़ ए कॉमन नेम ऑफ, एस्प्रिन जो होता है वो कॉमन नेम होता है किसका? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। स्मॉल पॉक्स इज कॉल्ड बाई, स्मॉल पॉक्स जो होता है वो किसकी वजह से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरियोला वायरस की वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। रेस्पिरेशन प्रोसेस रिक्वायर्स, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो क्या रिक्वायर करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब विटामिन ए विटामिन रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी, द विटामिन इज, कौन सा विटामिन है वो जो कि कोबाल्ट को, मतलब उसको कोबाल्ट चाहिए होता है अपनी एक्टिविटी करने के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ, तो किससे बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉस्फोलिपिड से वो बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर प्लांट ऑफ सेल, तो इसमें से इसको हम लोग पावर प्लांट ऑफ द सेल कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रियन को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियन को पावर प्लांट ऑफ द सेल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एनर्जी रिलीज्ड, इनमें से कौन सा प्रोसेस में एनर्जी जो होता है वो रिलीज होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। एनिमल्स लिविंग इन द थ्री ट्रंक्स आर नोन एज, जो वैसे एनिमल्स जो कि थ्री ट्रंक्स में रहते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं आर्बोरियल एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। व्हाट हैपन्स टू अ पर्सन हु रिसीव्स द रॉन्ग टाइप ऑफ ब्लड, अगर किसी पर्सन को मतलब कि अलग टाइप का ब्लड दे दिया जाए तो उसको क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? RCB एग्लूटिनेट। ठीक है, RCB जो होते हैं यानी कि रेड ब्लड सेल, वो एग्लूटिनेट कर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। इफ़ ऑल बुलेट्स कुड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम गन शॉट इंजरी ऑफ ए मैन, इट मे कॉज पॉइजनिंग बाई, तो मतलब कि अगर किसी इंसान को बुलेट लगा हुआ है तो उसमें से अगर सारे गन नहीं निकाले जाएँ तो क्या, मतलब क्या कॉज होगा उसका? तो कौन से बीमारी से मर जाएगा वो, कौन से पॉइजनिंग से? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्सेनिक के। ठीक है, आर्सेनिक के पॉइजनिंग से वो मर जाएगा इंसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिंग वॉर्म इज अ डेथ डिजीज, रिंग वॉर्म कैसा डिजीज है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फंगल डिजीज है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है तो वो कहाँ सिचुएटेड होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तो बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के बेस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ऑक्सीजन विच इज वाइटल फॉर लाइफ इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज क्लोव, क्लोव जो होता है उसका द कॉमनली यूज स्पाइस ऑप्टेन, मतलब वो कहाँ से ऑप्टेन होता है, फ्लावर के कौन से पार्ट से? तो इसका राइट हो जाएगा फ्लावर बर्ड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। चीविंग गम इज मेड फ्रॉम, चीविंग गम जो होता है वो किससे बना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेटेक्स से। ठीक है, लेटेक्स का यूज करके चीविंग गम बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। द ब्रेन ऑफ ह्यूमन एडल्ट वेट अबाउट, तो जो ह्यूमन का ब्रेन होता है वो कितना वेट कंटेन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 1200 से लेके 1300, यानी कि 1200 से लेके 1300 ग्राम तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। टोटल नंबर ऑफ बोन इन मैन इज, मैं मतलब कि ह्यूमन बॉडी में कितना टोटल नंबर ऑफ बोन्स होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 206 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक किल्ड फॉर इट्स ब्यूटीफुल स्किन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एन एंडेंजर्ड स्पीसीज, तो कौन सा स्नेक जिसका मतलब कि इसको मार दिया जाता था उसकी ब्यूटीफुल स्किन के लिए, उसको मतलब डिक्लेयर किया गया है कि वो एंडेंजर्ड स्पीसीज के श्रेणी में आ गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रसल वाइपर। ठीक है, रसल वाइपर को इस श्रेणी में भेज दिया गया है एंडेंजर्ड स्पीसीज के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका।
द कलर ऑफ द आई डिपेंड अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइरिस। ठीक है, जो कलर होता है आई का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो कि पिगमेंट प्रेजेंट होता है आइरिस में उसी के ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। द एबिलिटी ऑफ द आई टू सी इन द डार्क इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द पर्पल पिगमेंट नोन एज, तो जो मतलब कि हम लोग के आँख जो रात में भी देख सकता है तो वो किसकी वजह से होता है, वो एक पर्पल कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिटाइनिन। ठीक है, रिटाइनिन उसको हम लोग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, होल ग्रेन सीरियल्स एंड पल्सेस आर मोर न्यूट्रिशियस। ठीक है, होल ग्रेन और सीरियल्स और पल्सेस जो है वो मोर न्यूट्रिशियस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज डम्ब, तो इसमें से कौन से फॉलोइंग एनिमल है जो कि डम्ब है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिराफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। द विटामिन मोस्ट रीडली डिस्ट्रॉयड बाई हीट इज, तो कौन सा विटामिन जो कि हीट से डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैक्सीन, इसमें से कौन सा वैक्सीन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन वैक्सीन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। द डिजीजेज डेट इज कॉज बाई वायरसेज, वायरस की वजह से कौन सा डिजीज होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कोल्ड, कॉमन कोल्ड इसकी वजह से होता है। ठीक है, चलिए बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इसका पूरा प्लेलिस्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, आप लोग वहाँ से जाके इसका देख सकते हैं, इसकी सारी वीडियोस। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।